अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और हेलो। यार टाइटल तो आप लोगों ने पढ़ लिया। कल हम लोगों ने आपसे अपनी वीडियो में पूछा था कितने लोगों को हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आती है या फिर जो मेन ब्राउजिंग पेज होता है यूट्यूब का उसमें हमारी वीडियो नजर आती है। तो लोगों ने कहा था कि हमें नोटिफिकेशन 45% लोगों ने कहा हमें नोटिफिकेशन आती, 50-55 यानी 60% लोगों ने बोला हमें नोटिफिकेशन ही नहीं आती। तो ये हमारी तरफ से फॉल्ट नहीं है और हम भी नोटिस कर रहे हैं ये बात कि लोगों तक हमारी वीडियो नहीं पहुंची और लोग भी हमें मैसेजेस कर रहे हैं कि यार हमें पता ही नहीं चलता कब आपकी वीडियो है। वीडियो बता दें कि हमारे मस्ट जाके इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो, रिएक्शंस बाय सुलेमान से, वहां पे आपको मिल जाएगी डेली हर रिएक्शन जो हम डालते हैं, उसकी स्टोरी डालते हैं, उस स्टोरी से आपको पता चल जाएगा कि आज वीडियोस डली हैं, तो उसको जाके मस्ट फॉलो करो। और आपने भी हमें बताना है कि क्या आपके मोबाइल फोन पर नोटिफिकेशन पॉप अप होती है कि रिएक्शंस बाय सुलेमान अपलोडेड न्यू वीडियो या मेन पेज पे आती है कि नहीं। आप भी हमारी हेल्प कर सकते हैं, आप उसको जाके बेल आइकन पे क्लिक करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे करेंगे तो फिर पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये यूट्यूब की तरफ से बहुत बड़ा इशू है जिसको वो अक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारी तरफ से कोई इशू नहीं है, बट कोई इशू चल रहा है। युद्रा मूवी का ट्रेलर आज हम देखने जा रहे हैं, सिद्धांत चतुर्वेदी माल क्लिप खुला हुआ देखने से हॉरर लग रही है ना मुझे, नहीं एक्शन है। अच्छा, माल कैसी रही है? मालविका मोहनन और राघव जुयाल, राघव जुयाल छाए हुए आजकल। राघव की बड़ी तारीफ भी हो रही है इनकी मूवी किल आई, किल के बाद उसमें विलन आए, फिर उनके बाद इनकी एक सीरीज आई थी वेब सीरीज उसमें भी तारीफ हुई, अब राघव इसमें भी आ रहे हैं तो लोग राघव को बड़ा पसंद कर रहे हैं। और इनको देखो कि एक डांसर से ये होस्टिंग पे गए, होस्टिंग से फिर ये आए एक्टिंग में और सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी का जान में इनको की डेब्यू हुआ था। बहरहाल जी इसको देख लेते हैं और देखने के बाद फिर हम आपके साथ करेंगे डिस्कशन। स्टे विथ अस। मरने से पहले महाभारत का एक मशहूर किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ। मशहूर किस्सा। अभिमन्यु ने माँ के पेट से चक्रव्यूह में घुसने का रास्ता तो सीख लिया लेकिन कभी चक्रव्यूह भेद नहीं पाया। काफी गर्मी है तुम लोग में, मैं भी थोड़ा गर्म हो लेता हूँ। आपको लगा कि मैं अभिमन्यु हूँ, मैं उसका बाप हूँ अर्जुन। Yudhra has got a serious anger issue. वैसे आई थिंक सोचा जा सकता है। क्या क्या सोचा जा सकता है? तू और मैं एक साथ। तू अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकता, खुद के लिए नहीं तो मेरे लिए, हमारे लिए। बिल्कुल अपने बाप पर गया। किरिश बिल्कुल तुम्हारी तरह था, अंगे लेने का शौक था उसे, शायद इसीलिए उसकी जान गई। ये जज को बोलेंगे प्लीज कि मुझमें जेनेटिक प्रॉब्लम है, शायद थोड़ी सजा कम ही कर दे। अब मेरे को बोलने के, कसाई का काम अल्ले पे बैठने का नहीं होता है, काटने का होता है। फिरोज देश का सबसे बड़ा ड्रग नेटवर्क चलाता है, जो काम तुम्हारे बाप ने शुरू किया खत्म तुम कर सकते। फिरोज को पकड़ेंगे। अभी अपना माल मेड इन चाइना हो गया, फिरोज उनसे 5,000 किलो कोकेन खरीद रहा है। माल शफीक नहीं, हम उतरवाएंगे। एक बार मौका दीजिए, मैं लेके आता हूँ ना उसे आपके पास। ये पहली बार नहीं है जब जिंदगी ने साथ छोड़ने की कोशिश की है, पर मौत को ये मंजूर नहीं। दोस्त है ना अपनी, एक बार पहले भी आई थी, मेरी जान बचाने। वो क्या चीज घुसाई थी? कुछ कान से निकाला है घुसा के। कौन है बे, क्या चाहता है? जानना चाहता हूँ कि लोग मरने से पहले ऐसे बेवकूफी भरे सवाल क्यों पूछते हैं। आजकल वायलेंट मूवीज आ रही हैं। आजकल ना बहुत ज्यादा वायलेंट मूवी। अच्छा, मैंने भी नोट किया है कि एनिमल के बाद से वायलेंट मूवीज का एक वो चल पड़ा है। सोचा नहीं था एनिमल से ज्यादा वायलेंट है। एनिमल से एनिमल भी थी अपने लेवल की, लेकिन ये और बहुत। इसमें सिलाई मशीन में वो हाथ डाल देते हैं बंदे का।
राघव को ना हमेशा कॉमेडी करते हुए इस तरह की देखा ना, मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि राघव इतने सीरियस विलन भी। अच्छा जो इसमें विलन थे ना, विलन के पता नहीं राघव क्या होते हैं कि आप बोले तो मैं उसको लेकर आता हूँ। राघव का जो हेयर स्टाइल है और जो नोज पिन और जो शक्लें वो बना रहे हैं ना, सही विलनस शक्लें बना रहे हैं। तो राघव ने बड़ा ही यार एकदम से किसी का भाई किसी का जान के बाद अपना एक तो रोल भी चेंज हो गए, उनके वायलेंट मूवमेंट से आना शुरू हो गए और एक्सप्रेशंस अच्छे हैं। अच्छा सिद्धांत की भी बात करें तो अच्छा एक तो इनके आवाज सिद्धांत की बड़ी एक वो है ना बेस वाली, और जिस तरह से शुरू में कोयले को पकड़ लेना, सिलाई मशीन में हाथ डाल देना, जो इनकी गर्लफ्रेंड होती है कहती है तुम अपने गुस्से को काबू नहीं कर सकते, हम दोनों के लिए कहते हैं, कोई इनको बोल रहा था कि तुम अपने बाप पे गए हो, तुमने अपने बाप से इनहेरिट किया, फादर पुलिस ऑफिसर होते थे, जो तुम्हारे बाप ने शुरू किया था उसको अब खत्म तुम करोगे। अब फिर कोई ड्रग डीलर जो है फिरोज के नाम से, उनको ये पकड़वाना चाह रहे हैं, और इनकी और फिरोज की और राघव और ये आमने सामने होंगे। अच्छा जगह नोट कीजिए, सिद्धांत हैंडसम बहुत है, हैंडसम जगह हैंडसम भी है, लेकिन एक्शन अच्छा किया है, फेस से ना एक टर्किश हीरो टाइप की वाइब्स आती हैं इनको देख के। एक्शन बहुत अच्छा है, ओवरऑल पूरी ट्रेलर की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी, और आई थिंक जब एनिमल आई थी तो लोगों ने बहुत उसको भी किया था जी की बहुत वायलेंट है, उसके बाद से ही तो वायलेंट मूवी ज्यादा आना शुरू, क्योंकि लोगों को वो अच्छी लगी थी। और मैं एडिटर रह चुका हूँ ना, तो मैं बड़ी बड़ी चीजें नोटिस करता था। अब स्टार्ट हुई है तो आपने देखा मुख्तलिफ चीजों पर, एक जगह लक्ष्य यहाँ लिखा, एक जगह डॉन लिखा हुआ कि फ्रॉम द मेकर्स ऑफ लक्ष्य डॉन, क्योंकि एक्सेल एंटरटेनमेंट की, एक जगह एक्सेल मूवीज लिखा आ रहा है और एक चीज हिल रही है आगे तो एक्सेल मूवीज उसके पीछे छुप जा रहा है। तो ट्रेलर में छोटी छोटी इस तरह की चीजें, दीवार के ऊपर से कैमरा गुजर रहा है तो उसके ऊपर नाम आ रहे हैं, तो कास्टिंग भी अच्छी की हुई है, बैकग्राउंड म्यूजिक भी अच्छा है, और वायलेंट मूवी है, सही किस्म का एक्शन दिखाया है। बोलते हैं ना किसी चीज का कारोबार कहते हैं किसी का बिजनेस है, तो वहां पे सिद्धांत को भेजा जाएगा, राम उन्हें कहते हैं कि तुम जाओगे वहां पे। हाँ, मुझे ट्रेलर की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी लगी, और मुझे लग रहा है कि ये जब राघव और सिद्धांत का वर्सेस होगा ना, आमने सामने आएंगे दोनों, तो वो वाली फाइट बहुत कमाल होगी। क्यों वाइब्स आएंगे, राघव शायद ऑनवर्ड विलन के रोल में आना शुरू हो जाएंगे, कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि वो विलन के रोल में आ रहे हैं, इसमें भी विलन है नहीं, ऑनवर्ड्स और भी आगे भी मूवीज में आना शुरू हो जाए एज अ विलन, क्योंकि लास्ट मैंने की जो मूवी आई थी उसमें थोड़े थोड़े क्लिप्स देखे थे, इसमें जो उन्होंने जिस तरीके से उस लड़की को मारा था, जितने वायलेंट तरीके से, मतलब मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि राघव इतना मतलब अच्छा विलन बन सकते हैं। राघव बहुत इंप्रेसिव है, मुझे सिद्धांत भी बहुत इंप्रेसिव लगे हैं, सिद्धांत को तो लोगों ने गली बॉय से पसंद करना शुरू कर दिया था, और राघव ने किल मूवी से जो है ना आगे अपनी परफॉर्मेंस से सबको किल करना शुरू कर दिया। जो सिद्धांत है वो स्क्रिप्ट अच्छी चूज करता है, तो समझ के ओवरऑल ट्रेलर की प्रेजेंटेशन मुझे बहुत अच्छी लगी, ट्रेलर जिस तरह से शूट हुआ हुआ है और जिस तरह से उसकी एडिटिंग हुई हुई है मुझे बहुत अच्छी लगी है। बाकी आप लोग अपने ख्याल हमारे सामने रखिएगा कि आपको ये ट्रेलर कैसा लगा है और किस तरह की फील्स आ रही हैं इससे। बाकी गानों वगैरह का इंतज़ार है, और ये इसके जो डायरेक्टर हैं वो मॉम मूवी के डायरेक्टर हैं, जिन्होंने श्रीदेवी की लास्ट फिल्म थी मॉम, उनको उसको डायरेक्ट किया था, उसमें पाकिस्तान से भी कुछ कलाकार थे, तो सजल अली थे, अदनान सिद्दीकी जो उनके फादर बनते हैं वो भी थे। बाकी ये कि थोड़ा सा म्यूजिक का भी इंतजार है, शंकर एहसान लॉय का म्यूजिक बड़े टाइम के बाद आ रहा है, तो मुझे लग रहा है बहुत कमाल म्यूजिक होने वाला है। सो दैट्स इट, ये था हमारा मिनी सा रिव्यू रिएक्शन, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, हमारे ब्लॉग्स में जाके लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, हमारे इंस्टाग्राम को मस्ट फॉलो करो फॉर लेटेस्ट फोटोज सर्च एंड अपडेट्स के लिए। इसमें हम आपको आपके लिए डेली डेली वीडियोस लाएंगे, तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल।